नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। SJVN की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। 148 रुपये का शेयर है दोस्तों, कुछ दिनों बाद की पहले की बात बताऊँ जहाँ पे शेयर का प्राइस ओनली 120 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा था, और वहाँ से अगर आप बाइंग करते तो आज शेयर में ऑलरेडी एक लगभग 20 रुपये से 30 रुपये का प्रॉफिट आराम से ले सकते थे। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी भी आपके पास मौका बन सकता है शेयर के अंदर, बिकॉज अभी क्वार्टर फोर के नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो शेयर में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आप देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर भी काफ़ी फोकस से देखने को मिलेगा सरकारी, यहाँ पे जो भी न्यूज़ आएगी यहाँ पे इन शेयर्स के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कि आप देखें अभी ये शेयर में काफ़ी अच्छे रुझान के साथ देखने को मिलेगा। देन ये शेयर में कौन से लेवल है जहाँ पे बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, उससे हम पहले बात करते हैं फंडामेंटल कैसे हैं शेयर के। देन अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे सब शेयर जब बढ़ता है तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हमें देखे जाता है। देखिए 300% के रिटर्न एक साल के अंदर दिए हैं, सेक्टर के अंदर इस पर 117% के रिटर्न है, 23% के रिटर्न मार्केट रिटर्न है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्जेस्ट कंपनी आती है ये, लार्जेस्ट कैप कंपनी में आती है। देन यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ इसके फंडामेंटल की, तो एवरेज क्वालिटी आती है, वैल्यूएशन इसका देखें एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल थोड़ा नेगेटिव है, इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बनता है कि इसमें थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करके चले, क्योंकि यार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका शेयर जो है फंस भी सकता है, आपका पैसा फंस भी सकता है। उससे कम पैसा प्रॉफिट ले रहे लेकिन ज़्यादा नुकसान में नहीं जाना चाहिए। डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे हेल्प करता है आपका डिविडेंड, आपके लॉस को रिकवर करने में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। FIs म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी का भरोसा देख के हमें इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी प्रमोटर होल्डिंग जो है 82% के आसपास है, पब्लिक के अंदर भी 12% की होल्डिंग है। अगर दिसंबर से मार्च तक के देखें 24 में अंदर तो 82% बनी हुई है, ये कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ओवरव्यू अगर इसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से 3500 रुपये का शेयर आज 148 रुपये देखने को मिल रहा है, तो कुछ तो बात है इस शेयर के अंदर जहाँ पे आपको ये शेयर 148 रुपये चलता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये शेयर जो है पिछले फरवरी मंथ के आसपास देखा जाए तो शेयर ऑलरेडी 160 को टच करके आया, उसी दौरान मैंने इस शेयर को बाई किया था लगभग 130 के आसपास, और आज मैं हाल ही में 140 के आसपास शेयर को बेच चुका हूँ, बिकॉज मुझे इतना उम्मीद नहीं थी जहाँ पे शेयर का प्राइस एकदम से इतना हाई चला गया। तो 140 के आसपास मैंने ये लेवल पे आराम से बेच दिया था, और आज ये वापस से नीचे गिर के इतना आ गया, जो कि मैंने इसको बाई नहीं किया था, लेकिन अब मैं चाहूँगा इसको बाइंग करूँ। लगभग 135 से फर्स्ट बाइंग होगी, लेकिन लास्ट जो सेकंड बाइंग होगी वो 124-125 के आसपास होगी। आपको नुकसान नहीं चाहिए शेयर के अंदर, थोड़ा पेशेंस रख के चलिए, शेयर 125 के आसपास देखने को मिले तो आप बाइंग कीजिए, लेकिन 135 से फर्स्ट बाइंग कीजिएगा, उसके बाद में 125 के बाइंग कीजिए। एवरेजली आपका 130 के आसपास आना चाहिए, आप एक